वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बना रही हूँ चिकन गार्लिक स्टिक्स। चिकन गार्लिक स्टिक्स के लिए यहाँ पे मैंने एक ब्रेस्ट पीस ले लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और यहाँ पे फोर ब्रेड स्लाइस हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ब्लेंड करेंगे। हम इसे चिकन ऐड करेंगे। हम इसे फाइनली ब्लेंड कर देंगे, उसके बाद हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन और ब्रेड क्रम्स को एक साथ ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड सॉल्ट टू टेस्ट। यहाँ पर हमारा चिकन का कीमा अच्छे से चॉपराइज हो गया सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब हम इसे हाफ एन आवर के लिए फ्रीज करेंगे। यहाँ पे चिकन का कीमा अच्छे से चिल्ड हो गया है। अब हम इसे इसमें ब्लॉक ऑफ चीज स्प्रेड करके ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने चीज़ ऐड कर दी है स्ट्रेट करके। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने चीज़ और कीमा मिक्स कर दिया अच्छे से। अब हम इसे फिर आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए फ्रीज करेंगे। आधा घंटा हो गया है, मैंने चिकन को फ्रिज में से निकाल लिया है, और देखिए कितने हार्ड हो गए हैं फ्रिज में रखने से। अब हम इसके इसको रेडी करेंगे, इसे हम स्क्रूज में ऐसे इंसर्ट करेंगे। हम इस शेप में रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे स्टिक्स को रेडी कर लिया। अब हम सबसे पहले से मैदे में कोट करेंगे। एक अंडा मैंने बीट करके रखा था यहाँ पर, जिसमें मैंने ऑरेगानो डाल के बीट किया है एक अंडे को, इसे हम फिर इसमें कोट करेंगे। ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। अब हम अपने चिकन गार्लिक स्टिक्स को मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है, हम उनसे टर्न करेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट है। हम इसे केचप या शेज़वान सॉस से सर्व करेंगे। यहाँ पर चिकन गार्लिक स्टिक बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर हमारी चिकन गार्लिक स्टिक्स बिल्कुल रेडी हैं। इसे आप केचप के साथ सर्व करें। एंड डू ट्राई दिस रेसिपी। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।